तो दोस्तों आज से ट्विटर का नया नाम सुन लो, ट्विटर का नया नाम है एक्स। साथ ही twitter.com वेबसाइट को अब x.com वेबसाइट लिंक कर दिया गया है। अब x.com अगर आप अपने ब्राउजर में डालोगे तो खुलेगा क्या, twitter.com। साथ ही इलन मस्क की अगर हम बात करें तो ट्विटर के लोगों को भी इन्होंने बदल दिया है। जहां पहले आपको नीली चिड़िया नजर आती थी ट्विटर के लोगों में, वहां अब आपको नजर आएगा एक्स। और खास बात यह है कि इलन मस्क ने अपना ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दिया है, उसको भी एक्स कर दिया है। एक वीडियो भी साथ में पिन किया है उन्होंने, जिसमें ट्विटर का जो लोगो है वो एक्स में ट्रांसफॉर्म होता नजर आ रहा है। डिजिटल वीडियो है भाई, मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। आखिर ये एक्स इलन मस्क को इतना पसंद क्यों है, क्या रिलेशन है एक्स से इलन मस्क का, ये तो पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इलन मस्क का एक्स लेटर से रिलेशन अभी से नहीं, बहुत पुराना है। ये बात है 1999 की, जब उन्होंने एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी x.com बनाई थी। बाद में इसे किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया था, फिर ये बाद में पेपल बन गई थी। 2017 में पेपल से x.com को इन्होंने फिर से अलग कर दिया, ये कहके कि x.com जो डोमेन है वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल वैल्यू रखता है। और बिल्कुल ये दिखता भी है, क्यों, क्योंकि स्पेस एक्स, उसमें भी एक्स नजर आता है आपको। अभी रिसेंटली इलन मस्क ने अपनी AI कंपनी भी शुरू की है जिसका नाम है xAI। यहां तक कि उन्होंने 2020 में जो उनका बेटा हुआ उसका नाम भी एश रखा है, जिसमें शुरुआत में एक्स आता है। और अब बारी है ट्विटर की, जिसका लोगो बदलकर एक्स रखा जा रहा है। डोमेन में बदलाव देखा जा सकता है, लोगो में बदलाव आप जल्दी देखेंगे। ट्विटर को खरीदने के बाद इलन मस्क ने काफी कुछ बदला है और काफी बड़े फैसले भी लिए हैं। अगर बात करें खरीदारी की तो पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 को इलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है। इसके बाद ट्विटर खरीदते ही सबसे पहले ट्विटर के टॉप 4 ऑफिशियल्स को जॉब से निकाल दिया, जिनमें शामिल थे ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, फाइनेंस चीफ नेट सहगल, लीगल एग्जीक्यूटिव विजय और सीन एडगेट। ये टॉप 4 ऑफिशियल्स है जिनको इलन मस्क ने ट्विटर खरीदते ही जॉब से निकाल दिया। जब इलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था और संभालना शुरू किया, तब ट्विटर में 7500 यानी कि 7500 एम्प्लॉय थे, जो आज की डेट में 2500 ही रह गए, लगभग 2500 ही बचे हैं। यानी कि लगभग 60-65% एम्प्लॉय वो निकाल चुके हैं, घर भेज चुके हैं। साथ ही ट्विटर ने उस समय जो काफी सारी हस्तियां ट्विटर के अकाउंट पे ब्लॉक थी उनको अनब्लॉक किया, उनमें से एक बड़ी हस्ती है डोनाल्ड ट्रंप। ब्लू टिक की बात करें तो ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस उन्होंने चालू कर दी, यानी कि ट्विटर पर अब आपको ब्लू टिक चाहिए तो मंथली या फिर ईयरली पेमेंट देना होगा। साथ ही एक और बड़ा चेंज इन्होंने किया, और वो ये कि इन्होंने पोस्ट की जो कैरेक्टर लिमिट थी उसे बढ़ा दी। पहले 280 कैरेक्टर थी, अब आप 2000 कैरेक्टर तक उसमें यूज ले सकते हैं ट्विटर की एक पोस्ट में। और साथ ही एक और बड़ा चेंज इसी के साथ है कि पोस्ट को पढ़ने की लिमिट भी तय कर दी है। जो वेरीफाइड यूजर हैं, जो पे कर रहे हैं हर महीने या फिर साल का जो भी पे कर रहे हैं, वो 10,000 पोस्ट एक दिन में रीड कर सकते हैं। वहीं जो अनवेरिफाइड पीपल हैं, जिन्होंने वेरिफिकेशन बैज नहीं ले रखा है, वो 500 पोस्ट एक दिन में पढ़ सकते हैं। ये कुछ बड़े चेंजेस थे जो इलन मस्क अब तक ट्विटर के साथ कर चुके हैं। ट्विटर में आ रहे लगातार बदलाव से आप लोग कितने सहमत हैं, आर यू लाइकिंग इट और नॉट, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ट्विटर जैसी जायंट कंपनी का इलन मस्क के राज में क्या फ्यूचर होने वाला है, इस पर भी अपनी एक छोटी सी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।